जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने में दिल्ली सरकार की तरफ से देरी करने के मामले में दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश जारी करे। इस मामले में कोर्ट एक समय सीमा तय करे जिसके तहत राज्य सरकार देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता संबंधित केस में निचली अदालत को ये बात बता सकते हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले जेएनयू राजद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि कन्हैया कुमार और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी अब तक नहीं मिली है। कन्हैया कुमार और अन्य पर यह आरोप है कि उन्होंने जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था।